हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई आज है हमारा इतवार का दिन और पिंडी में हो गई है सुबह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी पहुंच गए भाई। जिस तरह तुम लोग पिछले व्लॉग देखते आए थे कि किस तरह फंस फंस के आए हैं लैंडस्लाइडिंग वगैरह में, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए पिंडी हम लोग। अब यहाँ से कराची जाने, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्द इंशाल्लाह। तो ट्रेन तुम लोगों को बता दूँ, ट्रेन है हम लोग की 31 अगस्त की दोपहर की। तो 31 अगस्त को हम पिंडी से निकल जाएंगे इंशाल्लाह कराची के लिए। तो भाई खैर वो निकल जाएंगे हम। तो अभी तो भाई सुबह हो गई है पिंडी में। अब तुम लोगों को पता है यार कराची के बॉयज़ कितने आराम से सो गए उठते हैं। तो टाइम हो रहा है 12:30 बज चुके हैं। अब भाई पता नहीं यहाँ से नाश्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। खैर रेडी वेडी हो गए हैं सारे, चल के देखते हैं भाई कि नाश्ता मिलता है या नहीं मिलता हमें। पर यहाँ पे तो सारे देखो, यहाँ के शहरी जो हैं वो अपने अपने कामों पे निकल गए। एक हमें भाई जो नेस्तियों की तरह अंदर सो रहे थे, लेकिन यार उठ गए यार। खैर वो भी थके हुए भी थे यार, इतना लंबा सफ़र करके आए। फिर यार फ्रेश फ्रेश हो गए थे, जरा सीम जो थे हमारे जिस्म पे वो सारे उतर गए, तो अच्छी नींद आई हमें। तो चलते हैं भाई अब नाश्ता करने, और फिर नाश्ता करने के बाद देखते हैं कि आज का क्या सीन है। वैसे आज का तो कुछ सीन नहीं है, क्योंकि भाई आज है बहुत बड़ा दिन, और वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच एशिया कप। तो सारे भाई देखते हैं, या तो यहीं पर ही होटल पे बैठ के देखेंगे या किसी कैफे वैफे चल लेंगे देखने। तो वो अभी बात करता हूँ बॉयज़ से कि अगर होता है तो चल लेंगे, वरना फिर रूम में बैठ के देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं जल्दी से नाश्ता करने। नाश्ता करके हम लोग निकले, तो रास्ते में हम लोग ये लुंडा की शॉप्स जो हैं सारी वो दिख रही। अब सारे यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अगर समझ में आ जाएगा तो ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कराची में वही इतवार बाज़ार लगता है, बिल्कुल वही लग रहा है मुझे, और कुछ खास नहीं लग रहा। नाश्ता वाश्ता करके आ चुके थे। तो भाई अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि आ जाए मैच पाकिस्तान इंडिया का, तो सोच रहे थे कि कहीं या तो कैफे वैफे चले जाएँ या कहीं स्क्रीन वगैरह लगी हो वहाँ चल लें। तो बड़ी मालूम वगैरह की है तो एक कैफ़े समझ में आए, तो वहाँ पर जाने का मूड है सबका, तो सारे वहाँ चलेंगे, वहीं पर ही मैच देखेंगे। बाकी यार अपने मास भाई के दो दोस्त हैं, उनसे भी लास्ट टाइम हम मिले थे, तो इस साल भी मिलेंगे, तो उनसे ही बात बात कर ली है। वो लोग भी आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर उनके साथ ही मैच एंजॉय करेंगे और कैफ़े भी चल लेंगे, वहाँ पे मैच वैच भी देखेंगे, और वहाँ पे कुछ डिनर विनर भी इंशाल्लाह वहीं करेंगे हम। तो अभी बस रेडी वेडी हो जाते हैं, निकलते हैं शाम या मगरिब तक निकलते हैं, और फिर क्योंकि 7 बजे मैच है तो शाम में तकरीबन 6 बजे तक निकल जाएंगे हम लोग। पहले तुम लोगों को बताया था कि मैच देखने जाना है, कोई कैफ़े वैफे तो जाना था पर नहीं जा सके, क्योंकि भाई हर जगह आज बहुत बड़ा मैच है, तो बुकिंग हुई हुई थी, रिजर्वेशन पूरी थी, हम लोग नहीं करा पाए। तो हमने बस सोचा कि भाई जिस तरह रूम की पूरी सेटिंग कैसी थी तुम लोगों ने पहले देखा होगा, तो अभी हमने सेटिंग चेंज कर दी, सारे बेड लगा दिए सीधे, और अब सारे बैठ के यहीं पर ही मैच देख रहे हैं। फिर अभी देखो मैंने पाकिस्तान का झंडा भी पहना। ये मास भाई ये ब्लैक क्यों? अच्छा ये खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं नहीं गलत बात है, गलत बात है, फ्लडिंग के लिए है ब्लैक जैसे पाकिस्तानी। 1 मिनट साइलेंस। आप देखेंगे आज वैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी आर्म बैंड पहन के खेलेंगे ब्लैक कलर का इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। जो फ्लड बिलीव की यकजहती के तौर पे यूज होगा। चलो भाई अब माज भाई ने जैसा बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अभी सीन ऐसा है कि माज भाई के दोस्त आ रहे हैं, जिस तरह तुम लोगों को बताया था तो मेहमान नवाजी के लिए मिले थे। तो अभी माज भाई ने भाई बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की बेचारे ने, इस कमरे की सफाई वगैरह की पूरी सेटिंग, हमें सेटिंग बताई कि इस तरीके से रखो सारे आ जाएंगे। तो बस अब 6:30 हो रहे हैं, टॉस होने वाले हैं और मैच भी स्टार्ट होने वाले, तो मैच सारे मिलके यहीं पर ही देखेंगे, फिर माज भाई के दोस्तों के साथ जाएंगे हम खाना खाने, और आज यही सीन है। मैच शुरू ही हुआ था कि दूसरी बॉल पे रिजवान भाई का जो है वो LBW हो चुका है। आई अल्लाह आउट नाउ नाउ अल्लाह नाउ नाउ बचत हो गई भाई, रिजवान भाई आराम से खेलो यार, नॉट आउट, ये लो ये एम्पायर भाई बहुत बड़ा मैच था तो अंपायर ना घबरा गया था। अब शुरू हो चुका है मैच और दूसरी बॉल भी हो रही है। रिजवान भाई अब तुम ऐसा बदला लो ना कि दादी याद दिला दो उनको तुम लोग यार, दादी या नानी, हाँ नहीं कुछ भी याद दिला दो यार। तो खैर अब मैच एंजॉय करते हैं, तुम लोग भी साथ साथ हमारे साथ व्लॉग एंजॉय करो। माज भाई के दोस्त है वो भी निकल चुके हैं, वो भी आ रहे हैं कुछ देर में, हमें वो ज्वाइन कर लेंगे।
और हम लोग भी फिर मैच एंजॉय करते हैं। मैच शुरू हुआ, थोड़ा देख ही रहे थे तो राफे भाई ने थोड़े बहुत मजाक करने शुरू कर दिए थे। असल में दो बार अभी LBW हुआ रिजवान का, तो राफे भाई से हमने फिर पूछा, राफे भाई बहुत ना LBW करे जाते हैं, हमने पूछा जरा से LBW नहीं किया था, इससे जरा हम पूछें कि भाई LBW का मतलब क्या होता है। ओए क्या छूट गया, अबे यार बाबर आजम आउट हो गया यार, ये क्या किया, गाली दे दी है, ये क्या बदतमीजी है, गाली क्यों दिया आपने, मैंने तो दी नहीं। अच्छा तुमने किस तू व्हाट यार, ये बहुत गलत सीन हो गया हम लोग के साथ यार, खैर यार जो होना था सो हुआ। खैर भाई राफे भाई का तुम लोगों पे बता रहा था कि राफे भाई बड़ा कोई होशियार बन रहे थे, LBW करे यार, तो इनसे ज़रा तुम लोगों भी पूछवाते हैं कि भाई LBW की फुल फॉर्म क्या होती है। राफे भाई LBW की फुल फॉर्म क्या होती है, लेग बिफोर विकेट है, लेग बिफोर विकेट है ना। पहले एकदम से याद आई मुझे, हाँ ये देखो पहले बताओ ये क्या करता है, वो मुझ पर बताएंगे पहले क्या कह रहा था ये, मुझे नहीं यार मुझे नहीं यार, पहले चलो मैं तुम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, LBW इंडिया बिफोर विकेट। तो यार अब मैच ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, खैर हो गए यार, लेकिन थोड़ा सा दुख है कि बाबर आउट हो गया बहुत जल्दी, लेकिन खैर यार दुख बर्दाश्त कर ले। कभी कभी नंबर वन बैट्समैन भी आउट हो जाते हैं, अभी विराट कोहली भी, अभी यार बच्चों ने विकेट लिया खुश होने दो यार, मसले की बात नहीं है, मसले कोई मसला नहीं, तो अब मैच एंजॉय करते हैं ऐसी यार, हंसी खुशी करेंगे और फिर खाना भी खाएंगे। मैच तो शुरू हो गया था जिस तरह तुम लोगों को बताया था, और मैच बड़ा कोई ख़तरनाक चल रहा है। मैच के साथ साथ हमने भाई लेस मंगवा ली हैं, तो लेस खाने स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, तो समझ लेस तो स्पॉन्सर करेगा भी नहीं, गजब बेइज्जती है। आसिफ भाई ने मारा शॉट और ये मुझे आउट लग रहा है, और ये आसिफ भाई भी आउट हो गए। चिप्स हम खाते हैं, और चिप्स खाते खाते विकटें जो गिर रही हैं यार, हमें माल भाई के दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया था, उमेर भाई हैं और शरमत भाई हैं, मैं पता था नाम पर मैं शांत रह रहा था, याद कर रहा था मैं। तो भाई अभी ये लोग भी हम लोग के साथ आ गए हैं, ये लोग सारे मिलके हम बैठ के मैच देख रहे हैं, और मैच ही देख रहे हैं, और फिर मैच देखने के बाद मिलते हैं हम लोग।
मैच तुम लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, बहुत काबिल नहीं था, बहुत अच्छा देखा। उमेर भाई का जिस तरह कह रहे हैं कि देखने के काबिल ही नहीं था, तो सही बोल रहे हैं वो। तो भाई अभी खैर हो गए यार, एक ही गाना इस वक्त याद आता है, तुम जीतो या हारो सुनो। किसी को प्यार ही नहीं है। चलो यार खैर हो गई, हार जीत होती रहती है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अब टाइम बहुत हो चुका है, माज भाई की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा संगीन है, अब टीवी हमारा तोड़ने का इरादा है और तोड़ के फिर खाना खाने चलते हैं और वहीं पर ही तुम लोगों से मिलते हैं। A few moments later. कि बिल्कुल फारिग हो चुके थे, अब जिस तरह तुम लोगों को बताया था माल भाई के दोस्त आए हुए, तो हमें खाना खाने भी जाना था, तो अभी यहाँ पर आ गए वही खाना खाने, और अब खाते हैं जल्दी से खाना, और फिर खाना खाने के बाद निकलते हैं होटल वापसी, क्योंकि सुबह है हम लोगों का दूसरा दिन पिंडी में, तो वो उसके लिए भी उठना होगा, तो खाना वाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं उन लोगों से। खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके थे, और पीछे सारे भाई माल भाई के दोस्त वगैरह जो आए हैं वो भी खड़े हुए, तो हम लोग भी सारे खड़े हुए। अब भाई खाना वाना तो खा लिया हमने, निकलते हैं अब यहाँ से हम लोग, तो माल भाई के कुछ दोस्तों से भी तुम लोगों को मिलवा देते हैं यार। तो भाई ये सारे भाई पबजी फ्रेंड्स हैं माल भाई के। माल भाई आप सबका इंट्रो करवा रहे हो। ये सारे आपका क्या नाम है? मतलब ये सारे जो है माज भाई के पबजी फ्रेंड्स हैं, और गेमिंग फ्रेंड्स हैं सारे। तो भाई आप लोगों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर देते हैं, सही है, तो निकलते हैं यहाँ से पिंडी से, और पिंडी में अभी दो दिन है हमारे पास, पाकिस्तान का मैच भी था, हार गया पाकिस्तान, खैर हो गई, कोई मसला नहीं भाई, हार जीत होती रहती है। अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, उम्मीद है तुम लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो उसको लाइक करना, इस पर कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और जल्दी से जाके भाई शेख्स मिनी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके हमारी गैंग में शामिल हो जाना। मिलते हैं तुम सबसे कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।